पहले कोविड हो चुका है तो क्या नए वेरिएंट से कम खतरा है? विश्व में अभी ओमिक्रॉन की दहशत है और तेजी से ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा, अगर पहले कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो क्या नए वेरिएंट से खतरा कम है? कई ऐसे लोग हैं एक बार इन्फेक्टेड होने और ठीक हो जाने के बाद मान रहे हैं अब उन्हें कोविड से कोई खतरा नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा ठहरिए, पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद फैसला कीजिएगा। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर में हुए रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन लोगों को पहले कोविड ने प्रभावित किया उनकी बॉडी में इसके प्रति नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का होता है और ऐसे में दोबारा से आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। क्या होता है जब आप कोविड से संक्रमित हो जाते हैं? पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप कोविड से संक्रमित होते हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देने लगती है, जो फॉरेन कोविड के पार्टिकल से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब इंसानी इम्यून सिस्टम वायरस को पहचान जाता है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है और WBC प्रोड्यूस होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है, जो उसे लड़ने में मदद करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इनेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने इस पूरी प्रक्रिया के बाद जैसे ही पेशेंट कोविड से रिकवर कर लेता है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल के प्रति कमजोर पड़ने लगता है। क्या दूसरी बार हम कोविड-19 से सुरक्षित रहते हैं? अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या हम दूसरी बार कोविड से सुरक्षित रहते हैं, तो हम आपको इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल कोरोना से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और बहुत से लोगों ने बहुत जल्द रिकवर किया। मान लीजिए आप एक महीने पहले संक्रमित हुए हों या फिर एक साल पहले संक्रमित हुए हों, ऐसे में इतने वक्त में आपका इम्यून सिस्टम अब धीरे धीरे उस वायरस के लिए इनएक्टिव होने लगता है और ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आप बता दें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्च के मुताबिक 10 महीने तक कोविड से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। क्या आपकी इम्यूनिटी बेहतर है? कोरोना से जंग में एक चीज और जरूरी होती है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपकी इम्यूनिटी बेहतर है? दरअसल कोरोना माइल्ड इन्फेक्शन की बजाय सीवियर इन्फेक्शन में सिस्टम ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ तथ्यों की माने जितना ज्यादा कोविड हमको प्रभावित करता है, हमारा शरीर भी उसके प्रति उतना ही ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप करता है। हालांकि किसी भी तरह का क्लिनिकल एविडेंस इस बात की पुष्टि नहीं करता। कुछ केस स्टडी में ये देखा गया कि सीवियर कोविड-19 में मेमोरी टी सेल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। क्या है वैक्सीन का रोल? अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर जब इम्यूनिटी कोविड से लड़ने में अहम है तो वैक्सीन का आखिर रोल ही क्या है? तो चलिए हम आपको इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल साफ शब्दों में समझें तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम को और ज्यादा तेज कर देती है और इसलिए विशेषज्ञ शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोविड से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार है वो है वैक्सीन, जो हमको इसके इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है। अब कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बूस्टर डोज भी बहुत जरूरी है। आप पहले कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वैक्सीन आपको इस बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अगर आप हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित हुए थे और अगर आपको इन्फेक्शन से उभरे हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया तो आप वैक्सीन का दूसरा डोज या फिर बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। क्या ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक हो सकता है? ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? तो चलिए हम आपको इसका भी जवाब देते हैं। दरअसल कोरोना में लगातार म्यूटेन होता रहा है, अपने ओरिजिनल स्ट्रेन से ये लगातार बदलता रहा। कोविड-19 के दूसरी लहर ने ये सिद्ध कर दिया कि गुजरते वक्त के साथ ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को बहुत ज्यादा संख्या में प्रभावित किया था और आप बता दें कि ओमिक्रॉन को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया और अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी पुष्टि की और साथ ही WHO की माने तो इससे ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। ओमिक्रॉन पर राहत की खबर।
एक तरफ जहां कोविड का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं इस बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई, जिसमें CSIR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा की माने तो कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार है। उनका कहना है वैक्सीन कोविड से बचाने में शील्ड की तरह काम करेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर मिश्रा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं। संक्रमण का हल्के लक्षण में बदलना अच्छा संकेत। डॉक्टर राकेश मिश्रा की माने तो इस साल की शुरुआत में जब देश कोविड की दूसरी लहर का सामना कर रहा था, तभी सामने आया कि डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि वायरस हल्के लक्षणों के साथ देश के प्रमुख शहरों में पहुंचेगा, जो अच्छे संकेत हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी से मिलेगा फायदा। कोविड से जंग में इम्यूनिटी काफी मायने रखती है, और ऐसे में डॉक्टर मिश्र ने बताया नए वेरिएंट के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रभावशाली होगी, जिसको वैज्ञानिक रूप से मान्यता मिल रही है। हो सकता है कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ थोड़ा कम लेकिन काफी सहायक हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से मिलती है नेचुरल इम्यूनिटी। विशेषज्ञों की माने तो कोविड की वजह से एक फायदा है, दरअसल इससे नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। वैक्सीन इम्यूनिटी टीके से मिलती है, और जब कोई संक्रमित हो चुका व्यक्ति वैक्सीनेट होता है तो उसे हाइब्रिड इम्यूनिटी मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है अगर हम 100% की सिक्वेंसिंग करें तभी आप पक्का बता सकते हैं ये वेरिएंट कितने लोगों में है और कितनों में नहीं। कई लोग हल्के लक्षण या फिर बिना लक्षण के हैं जो इसे फैला रहे हैं। कोविड के वेरिएंट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 70-80% लोगों में लक्षण नहीं होता, लोगों को ये सामान्य सर्दी खांसी लगती है, और ऐसे में इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए भारत में कोविड-19 का प्रकोप शांत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर कब भारत में आएगी और इसको बहुत ज्यादा रूप से प्रभावित करेगी। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 38 देशों को प्रभावित कर चुका है और तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है और कोविड के बेसिक नियमों का पालन करने की जरूरत है, जैसे मास्क लगाना, हाइजीन का ध्यान रखना, हाथों को बार बार धोना और साथ ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, और तभी हम इस वेरिएंट को मात दे पाएंगे। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।